गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड हाउ आर यू डूइंग? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो हाउ आर यू गाइस डूइंग? वेरी वेल मैम, थैंक्स टू यू। आई ग्रेट। एंड वेयर इज योर स्टोन? सो लेट मी गेट माइन। यस, तन्वी, वेयर इज योर स्टोन? राइट। सो फर्स्ट टाइम आई हैड टेकन दिस बिगर स्टोन, ठीक है, बट ट्राई एंड टेक अ स्मॉलर स्टोन। दिस स्टोन आई हैव हैड सिंस 2013। ओके, ओ देन कंटिन्यू विद दैट, क्योंकि क्या होता है ये स्टोन का, दे से दैट यू नो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एनीवेयर, अपनी पॉकेट में डल जाए या कुछ, सो दैट इट्स वेरी वेरी हैंडी। मेरे ना हाथ भी छोटे हैं तो ये देख के बड़ा लगता है ऐसे छोटा ही है। राइट, दिस इज माइन मैम सिंस 10 इयर्स। ओ वेरी गुड, ओ वाओ। सो चित्रा जी, आपका स्टोन कहाँ है? राइट, सो दिस इज माय स्टोन। आई डोंट नो एनी स्टोन इज गुड स्टोन, बट चित्रा जी आपके हाथ में पूरा आ जाता है, वैसे बंद हो जाता है स्टोन पूरा? No, it doesn't close. And is this an old stone or you took found it yesterday only? Found it yesterday. So that's all right. कल आज आप कोशिश करना एक छोटा स्टोन ढूंढ लो, ठीक है? बिकॉज क्या है ना, आप कहीं भी जाओगे, मे बी आई वुड वॉन्ट यू टू कैरी इट इन योर पर्स, इन योर पॉकेट। परफेक्ट है जी। सो हाउ वॉज द डे यस्टरडे? हु विल वॉन्ट टू शेयर समथिंग? कल कुछ मिराकल हुआ आपकी जिंदगी में, कुछ मैजिक हुआ? नेगेटिविटी कम महसूस हुई है मैम, जो छोटी छोटी बात पे सेंसिटिव फील हो रहा था, ग्रेटिट्यूड आने से आई रियलाइज मेरा थोड़ा चिड़चिड़ापन काफी कम हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड, नहीं वेरी नाइस। सो मेरे साथ कल कुछ हुआ, मैं बताऊं? यस मैम। हाँ, मैंने ना अपना लास्ट ईयर एक विजन बोर्ड बनाया था, एंड आई एम अ थिंकिंग पर्सन। मुझे हमेशा लगता था लिखने की क्या जरूरत है, सोच लिया है दिमाग में हो जाना चाहिए। बट लास्ट ईयर मैं एक प्रोग्राम कर रही थी जिसमें दे सेड की विजन बोर्ड बनाओ, तो फ्रेंड्स ने बैठ के बनाना था, सो आई ऑल्सो मेड माइन। उसमें मैंने अपनी एक वीडियो रिकॉर्डिंग में एक माइक डाला, कोई यू नो द नंबर वन फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर जो वर्ल्ड में है, मोस्ट पॉपुलर, उसकी इंटरव्यू हो रही थी एंड उसमें एक माइक था, ठीक है। मेरे बेटे ने मेरा यूट्यूब सेट करना था, तो उसने पहले डिफरेंट माइक सेट किया हुआ था, एंड यस्टरडे कम्स एंड टेल्स मी, मॉम मैंने ना वो माइक आपका चेंज कर दिया है। मैंने कहा व्हाट हैव यू ऑर्डर्ड? उसने मुझे फोटो दिखाई, इट वॉज एग्जैक्टली द सेम फोटोग्राफ, एंड आई प्रॉमिस यू मैं वो माइक देखकर ऑर्डर तो क्या भाग जाती स्क्रीन से, बिकॉज इट वॉज लाइक ऐसे 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 प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड स्टफ। एंड फिर मैंने उसको अपना विजन बोर्ड खोल के दिखाया और मैंने बोला देखा मैं तुझे दिखाती हूं, मैंने लास्ट ईयर अपने यूट्यूब वीडियो के रूम में, ठीक है, जहां मेरी कोई इंटरव्यू हो रही थी किसी उस पे चैनल पे, वॉट एवर इट वॉज, ये ही माइक के साथ फोटोग्राफ है मेरी। Awesome, ma'am. So inspiring. I couldn't believe it. I just couldn't believe it. तो मैं बोल रही हूं कि कुछ भी आपने आस्क करना है ना, बस कर लो, बट द ओनली थिंग इज वी हैव टू बी सिंसियर इन आर प्रैक्टिस, क्योंकि वो तो बहुत ही प्यारा सा है विच वी शुड रिमेंबर, इफ यू गिव ग्रैटिट्यूड अ लिटिल लिटिल यू विल गेट अ लिटिल, इफ यू गिव ग्रैटिट्यूड लॉट यू विल गेट अ You will get a lot. तो आपको ही डिसाइड करना है कि आपको ग्रेटिट्यूड चाहिए कितना आपको लाइफ में, राइट? एंड इट इज नॉट अबाउट बींग ग्रीडी। सो कभी दिमाग में मत रखना कि यार मैं ही सब मांग लूंगी तो, या यू नो निशान से मैं ही सब ले लूंगा तो बाकियों का क्या होगा।
इतना है यूनिवर्स में कि सब भी सारा ले ले तो भी यूनिवर्स में होगा, राइट? कई बार हम सोचते ना यार, वी आर टॉट लाइक दैट, स्पेशली फूड वगैरह में भी, यार ठीक से सर्व करो, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल, राइट? बट यूनिवर्स इज अमेजिंग. आप वहां से खाना खाते जाओगे, वो नीचे से पॉट भरता जाएगा अपने आप, राइट? गुड मॉर्निंग निशांत. गुड मॉर्निंग मैम. हाउ आर यू डूइंग? या गुड, डूइंग गुड. निशांत आपका स्टोन देखना था. सॉरी मैम, आई कुडंट डू दैट. देखा ना, कुडंट नहीं. निशांत, सो वेरी इंटरेस्टिंगली आई थिंक बीच में हमने पढ़ा भी है, इफ यू ओनली लिसन यू विल गेट ओनली मार्जिनल सपोर्ट, बट इफ यू डू इट यू विल गेट सो मच कि आपको समझ नहीं आएगा ये हो क्या रहा है मेरी जिंदगी में, राइट निशांत? या मैम, एग्री. आज प्लीज टेक आउट 2 मिनट्स एंड फाइंड अ स्टोन फॉर योर सेल्फ. दिस इज द स्टोन निशांत, ऐसा सा स्टोन होना चाहिए, कोई छोटा सा. हाँ या लाइक माय नीस हैज सो मेनी ऑफ दोस, सो आई विल स्टील वन ऑफ दोस फ्रॉम हर. आई लाइक इट, आई रियली लाइक द किड इन यू राइट नाउ, परफेक्ट. सो हु इज गोइंग टू रीड टुडे? तन्वी. डॉक्टर, मैं ना रियाज के पहले बात ज्यादा नहीं करती, फिर मैं गा नहीं पाती हूँ पूरे दिन. प्रॉब्लम रीडिंग में क्या है? धीरे धीरे करो ज्यादा. हाँ. निशांत, यू वांट टू रीड मैजिकल रिलेशनशिप्स डे 3? ठीक है, राइट. एक मिनट, मैं स्क्रीन दिखा रही हूँ. एक सेकेंड. सो आज का इज सो इंटरेस्टिंग कि दिस रियली विल मेक यू फील इन द नेक्स्ट लेवल. जस्ट गिव मी अ मिनट. यस, मैजिकल रिलेशनशिप्स. ओके, डे 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स. इमेजिन इफ यू वर द ओनली पर्सन ऑन अर्थ, यू वुड हैव नो डिजायर टू डू एनीथिंग. व्हाट वुड बी द पॉइंट इन क्रिएटिंग अ पेंटिंग इफ नो वन कुड सी इट? व्हाट वुड बी द पॉइंट इन कंपोजिंग म्यूजिक इफ नो वन कुड हियर इट? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another, because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. It is your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. So how many of you agree with this? Ki relationships hame bahut 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 zyada affect karte hain. I agree, fully, ma'am. 100%. Right? And सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कौन सा होता है? से जो होता है. एग्जैक्टली. सो जो मेरा मुझसे नाता है ना, ये गाना भी है ना इसे हमारा, दैट इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप एंड दैट इज द मोस्ट इग्नोर्ड रिलेशनशिप ऑल्सो, राइट? सो लेट्स सी व्हाट शी सेज अबाउट रिलेशनशिप्स. हां जी तन्वी. Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past.
with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to the family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistic that has come out of research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any wow. Blessing. Can you imagine this? So this is one thing which keeps taking us down, right? Yeah. Perfect. Yes, Tanvi. Any less than 10 blessings for everyone complained and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. Gratitude makes relationships flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships does not change only your relationships. It also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. Beautiful. So please make a note of this. No matter what your temperament is now, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अभी आपको गुस्सा आता है, आप हैप्पी रहते हो, आप चिड़चिड़े रहते हो, पर ग्रैटिट्यूड आपकी पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन और काइंडनेस को एक इस लेवल तक बढ़ा देता है कि आप खुद को भी पहचान नहीं पाते हो. एंड विच इज रियली ट्रू, इट इज फिनोमिनल, इट इज जस्ट फिनोमिनल द वे यू नो द रिलेशनशिप स्टार्ट. You start nurturing your relationships by doing nothing. Kuch nahi karna aapne. Perfect. Yes. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear. Because when you're truly grateful for another person, there's nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them. Because you're too busy being grateful for the good things in them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. How many of us wish ki aisa ho jaye? Right? Humko agar kisi mein koi burai dikhe hi nahi. Yes or no? And you know, abhi koi soch raha hoga ki aisa ho hi nahi sakta. I'll tell you this. Mere papa hai na, hum bachpan se hi dekhte aaye hain. Papa kisi ko kabhi bura kehte hi nahi hai. And he like, you know, oh, munda kinna changa hai, oh, kudi kinni changi hai. Matlab, to the extent ki hum log kabhi-kabhi papa ka na bachpan mein mazak bhi uda dete the. Ki papa ko to kisi mein koi kharabi nahi dikhti. He is always like, you know. And ek baat hai, aaj tak papa ka koi kaam nahi ruka hai. And papa ki relationships, matlab, agar aap wo apni life mein la pao aur kar pao na, तो मतलब there will be no reason to complain. And after reading this book, I realized कि वो gratitude को इतना ज़्यादा अपनी life में कर चुके हैं भाई कि उनको realize नहीं होता कि वो कुछ additional कर रहे हैं. But हमें बाहर से दिख के लगता है कि उनका जीने का तरीका ही कुछ अलग है. It is phenomenal the way everything changes जब हम ना gratitude शुरू करते हैं. Yes, Tanvi. So even when your father found anybody, like he never found anybody bad ever. नहीं नहीं उनको बुरा दिखता ही नहीं. कुछ कर देगा बुरा तो कहेंगे oh the mood नहीं चंगा होना आज. Oh उधर कर्चे प्रीति आज एक problem सीगी. You know he speaks Punjabi ना कि आज उसके घर में एक problem थी इसलिए वो ऐसे बोल गया. कोई बात नहीं. In fact my mom would say यार आपकी कोई ego ही नहीं है, आपको कोई कुछ बुरा ही नहीं लगता, कोई आपको कुछ बोल भी जाए तो. ना 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 जस्ट थॉट अबाउट मी. वो उसकी अपनी लड़ाई है, अपनी जिंदगी है. एंड इस वजह से क्या होता है ना, उनको 10 बार भी कोई काम कराने जाना पड़े, ही इज रिटायर्ड एज अ यू नो डायरेक्टर बीबीएमबी. तो गवर्नमेंट जॉब्स में यू नो इट्स बोथ वेज, आपके ऑफिस में बड़े लोग आते हैं, आपको भी बड़ी जगह जाना होता है. गवर्नमेंट के काम कराने को आसान थोड़ी है. बट ही वुड लाइक उनको किसने आज रूडली बोल दिया, उनको
पता ही नहीं चलता, या वो माइंड नहीं करते, या इतना ग्रैटिट्यूड में रहते हैं वो कि मैटर ही नहीं करता। अगले दिन वो फिर चले जाएंगे, काम उनका होना ही होना है। सही है। और मेरे लिए हाँ, आज के टाइम्स में ऐसे लोगों को बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया जाता है मैम। नहीं नहीं नम्रता, अब इसको तो कुछ खराब ही नहीं लगता है। ना 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 नम्रता, आपको कुछ खराब नहीं लगते में फर्क नहीं है। टेकन फॉर ग्रांटेड पता कब लिया जाता है? जब हम अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने देते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि पापा सबकी बात मान लेते हैं। मैंने ये बोला कि पापा अपने दिल पे कुछ नहीं लगाते। अगर आज किसी ने उनको चाय नहीं पूछी और उनको पता था, उसको पूछनी चाहिए थी। ठीक है भाई, ही इज इज जूनियर, एसडीओ है, नहीं पूछी। मेरे जैसा होगा ना, मैं अगले दिन उसके ऑफिस जाने में कांपूंगी थोड़ा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे गुस्सा आएगा, मुझे लगेगा कहीं ये आज फिर मेरे को ह्यूमिलिएट ना कर दे। होता है ना ऐसा? क्योंकि पापा ने वो मन पे लगाई नहीं चीज, और पापा उसको थैंक यू बोल के आ गए। पापा ने क्या किया, हाथ जोड़े, बोला थैंक यू, कोई बात नहीं जी, मैं कल आ जाऊंगा। पर इट इज नॉट दैट पापा से कोई भी जबरदस्ती कोई काम करा सकता है। अगर पापा ने कोई काम सोच लिया है, वो वैसे ही होगा जैसे उन्होंने बोला है। और घर में ही नहीं, सिर्फ ऑफिस में भी, एनी वेयर ही गोज, लोग उनको फॉलो कर लेते हैं। सो ये दो बहुत डिफरेंट चीजें हैं अमृता। एक ये गॉट इट मैम, है ना, ग्रैटिट्यूड क्या बोल रहा है, अपने दिल पे नहीं लगाना। उसको शुक्रिया बोलने से आपने पता क्या किया, अपने आप को नहीं जलाया। आप सोचो अगर एक कोयला है आपके हाथ में, गरम आग का, आप अगर उसको हाथ में पकड़ोगे जलेगा कौन, कोयला की आप? हाँ, तो जब हम किसी को ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं उसकी बुरी हरकत के लिए, और हम उसकी बुरी हरकत को याद करते रहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, खुद को जला रहे हैं। एक, वो कोयले को हाथ में पकड़े हुए हैं तो खुद को जला रहे हैं। दूसरा, जितनी बार हम वो कर रहे हैं, हम अपना नेगेटिव लोड बढ़ाते जा रहे हैं। और वन नेगेटिव पॉइंट को कवर करने के लिए कितने पॉजिटिव चाहिए? 10। तो यहां पे ना 2 मिनट रुको एंड जस्ट थिंक थ्रू, कौन आपके दिमाग में ऐसा निकल रहा है, या कौन सा सिचुएशन निकल रही है। मैं ऑनेस्टली बता रही हूं, दिस टेक्स टाइम। मैं अभी 6-7 बार कर चुकी हूं ये बुक, तो भी ना यहां मुझे एफर्ट होता है। बट मैंने देखा है, जहां पहले मैं इंटेंसिटी 1 पे इरिटेट हो जाती थी ना, या मुझे लगता था ठीक नहीं है, अब मैं 7-8 तक पहुंच गई हूं। एंड दैट इज वंडरफुल, क्योंकि मैंने उतने ओकेजन्स अपने आप को तंग करने के लिए हर रोज के कम कर दिए। आप समझ रहे हो? एंड ऐसा नहीं है कि मुझे अभी बिल्कुल उस टाइम लगता ही नहीं है कुछ, बट मैं जैसे ही उसको ग्रैटिट्यूड देने शुरू करती हूं ना, वो इंटेंसिटी कम होती जाती है, एंड मैं 30 सेकेंड्स में कामर एंड बेटर फील कर रही होती हूँ। तो मैम, एडवर्स सिचुएशन में आप ग्रेटिट्यूड कैसे देते हो? सपोज कोई आपके साथ अच्छे से नहीं बिहेव किया है, व्हाट डू यू डू देन? एग्जैक्टली, तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, बट आप क्या करते हो, आप उसको बोलते हो कि थैंक यू कि मैं, आपने मेरी पेशेंस बढ़ाई। है ना, अब जैसे मैंने आपको बताया था मंडे को मेरा पूरा फुल पैक्ड हुआ था एंड माय ऑफिस मेंबर्स डिड नॉट कम, 2 सेकंड के लिए तो झटका बड़ा लगा कि पेशेंट्स पोस्टपोन कर दूं, क्या करूं। मैंने कहा नहीं यार, इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, सारे ऑफलाइन थे, ऑनलाइन नहीं थे। सो मैंने क्या बोला, मैंने कहा चलो आज देखते हैं नया क्या सीखने को मिलेगा, राइट? थैंक यू भाई, तुम जल्दी ठीक हो जाओ एंड लेट मी लर्न समथिंग न्यू टुडे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने उस दिन सीखा भी बहुत कुछ, एंड आई शेयर्ड विद यू कि कैसे कितना बढ़िया राग उस दिन कोई आया ही नहीं था। है ना? सो आप रियलाइज नहीं करते, बट सिचुएशन अपने आप बदल जाती है अगर आप बदल लो तो। यू आर दी मैग्नेट, आप सेंटर पर हो।
आपको पता है कौन आपको जनरली आप किसको तंग करते हो ज्यादा जी? आप बचपन में आप ज्यादा किसको ग्रुप में सबसे ज्यादा तंग किया जाता था? ये निशांत बता पाएगा मुझे लगता है। निशांत, ऐसा क्यों लगा कि मैं बता पाऊंगा? मैं मुझे ऐसे ही लगा निशांत, पर आप बताओ सबसे ज्यादा ग्रुप में तंग किसको किया जाता था? जो तंग होता था उसको। एग्जैक्टली, देखो आई एम नेवर रॉन्ग निशांत ऑन दिस। देखो निशांत, ये शायद कोई और नहीं आंसर कर पाता। सो नम्रता, यस मैम, सबसे ज्यादा जो तंग होता है ना उसको तंग किया जाता है, राइट तन्वी? यस। तो अगर आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे और तंग नहीं होगे ना, तो सामने वाला सोचेगा यार इसको तंग करके मजा तो आ नहीं रहा, ये तो थैंक यू करती रहती है। लेट मी फाइंड समबडी एल्स। तुम ट्राई करके देखो ना अमृता, तुम मुझे, यू विल बी सरप्राइज्ड कितनी जल्दी चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, परफेक्ट है जी। यस तन्वी, we can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. Thornton Wilder, writer and playwright. So bas ab aap soch lo, aap kitne minute din mein alive rehte ho ya kitne ghante alive rehte ho? Theek hai ji, done. Yes, kitne ghante alive ho, that's a very nice way to put it, hai na? एक मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि, एंड पता है व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस बुक, मैं दिन में 10-12 मिनट बस अलाइव होती थी। क्योंकि जब मैं पूजा करती थी या मैं ना बीच में एक बुद्धिज्म प्रैक्टिस में आई थी, तो मैं अपने पेशेंट्स को रोज सुबह ग्रैटिट्यूड नहीं देती थी, उसमें विश करती थी कि उनके लिए कुछ अच्छा हो, तो एक तरह से थैंकफुलनेस ही है वो। बट अदर देन डैट मैं पूरा दिन कोई ना कोई काम ही कर रही होती थी। अब मैं जब काम कर रही होती हूँ, मैं साथ साथ अपनी आंखों के लिए थैंकफुल होती हूँ, अपनी आवाज के लिए थैंकफुल होती हूँ, अपनी स्माइल के लिए थैंकफुल होती हूँ। आज इसमें लैपटॉप के लिए कितनी थैंकफुल हूँ पता है आप लोगों को? अगर ये नहीं होता तो हम ये कर ही नहीं पा रहे होते सुबह सुबह, राइट? सो आप कितने मिनट अलाइव हो दिन में ना, ये सोचना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है जी, डन है। यस, words are very powerful, so when you complain about any person you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person you bring to you. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel? Wow. So how would you feel? Agar har koi aake bole ki tumhe badalna nahi hai, but we love you the way you are. Bahut achha lagta. Achha lagega ki kharab lagega? Bahut achha lagega. Achha lagta hai na? Ab... है ना, एंड देयर इज दिस कोट वी ऑल नो, डू अनटू अदर्स एज यू वांट देम टू डू अनटू यू। हम सबको पता है ना, हम जैसा करते हैं घूम फिर के दुनिया में हमारे साथ भी सेम ही होने लगता है। यस और नो? यस मैम। ये तो हम कब से सुनते आ रहे हैं। तो आज से हम यही हम ही शुरू करते हैं। जो तीन लोग हैं जिनकी हमने फोटो निकाली है, आज से उनको एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, आई लव यू द वे यू आर। अच्छा बुरा तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है। यस और नो? यस मैम। शुरू करके देखो, अपने आप फीलिंग भी आ जाएगी। वो यू नो, वो कहते हैं ना कि शुरू में आप जबरदस्ती हंसते हो, बाद में नेचुरली हंसने कब लग जाते हो पता भी नहीं चलता, राइट? एंड देर इज दिस कोट ना, जो मैं अपनी वर्कशॉप में बहुत यूज करती हूँ, फेक इट टिल यू मेक इट, राइट? क्योंकि शुरू में तो फेक इट ही करना पड़ेगा, अभी हमें तो आदत है नहीं भाई। हम तो पूरा टाइम अपने बच्चों को, पड़ोसियों को,
फ्रेंड्स को बताते रहते हैं तुझे और क्या करना चाहिए, ठीक है कि नहीं, व्हाट मोर। देख के देखो यार, आपकी पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं है, बट आपने कभी सोचा है कि एक उंगली को हाथ से निकाल के अलग कर दो या काट के बराबर कर दो, एवर? कभी सोचा है किसी ने ये बात? नहीं। क्यों नहीं आई इस ख्याल में बात? क्यों नहीं आई? क्योंकि सबका एक अपना पर्पस है, एंड हमें ये कभी स्ट्राइक ही नहीं किया कि हम काट सकते हैं एक उंगली को। हमें पता है हाथ बंद तभी होता है जब पांचों इकट्ठी होती हैं, है ना? पर रिलेशनशिप्स में क्या होता है, हम सोचते हैं हम काट सकते हैं, है कि नहीं? तो जब भी आपको लगे ना कि किसी को कुछ चेंज करना है, जस्ट अपने हाथ की तरफ देखो, 30 seconds। आप अगर इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, फिर अपनी लाइफ में उन खूबसूरत उंगलियों को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? कर सकते हो, कर सकते हो, जस्ट एट आज तक सोचा नहीं है। किसी से नाराज होने की बात ही नहीं है कोई। आपको लगता है अंगूठा उंगली से नाराज हुआ रहता है तो जब हम बोलते हैं जुड़ो, वो कहता है ना 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 अभी मैं गुस्सा हुआ, अभी मेरी लड़ाई हुई है। कभी हुआ है ऐसा किसी के साथ? है? बल्कि अभी आप बोल रहे हो तो लगता है डिफरेंट साइजेस है करके, कितना सुंदर लगता है मैम, कितना अच्छे से अलाइनमेंट है फिंगर्स का। हाँ, डिफरेंट साइज तो रिलेशनशिप में क्यों नहीं लगता हमें? और मैं आपकी बात नहीं कर रही, अपनी भी कर रही हूं, क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम थिंकिंग तरीका हमने बदल दिया। Because we have not accepted them as they are. Because we already accepted our fingers to be like this fully, but we don't apply the same thing in relationship. It might be because of this. Exactly. But क्यों नहीं हम accept करते निशांत? क्योंकि हम सोचते हैं तरीके से। हम सोचते हैं उसमें गलती निकालो, उसमें गलती निकालो, उसमें। We can do it together. आज से हमारा जो मंत्र होने वाला है ना, इट्स आई लव यू जस्ट द वे यू आर। जस्ट अ सेकेंड, सो आज हम ये जो तीन जनों की फोटोग्राफ है उनके साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? एंड जब तीन से हो जाए तो उसमें तीन और डाल लेना, ठीक है? मैं बता रही हूं, हमसे जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे ना, उनमें बहुत लोगों का जीने का तरीका ही ये था, इसीलिए वो लोग जॉइंट फैमिलीज में, इतने बड़े बड़े फैमिलीज में हैप्पीली रह लेते थे। यस सर नो? यस मैम, ऑफ कोर्स, है ना? हम तो आते ही वहां से हैं, पता नहीं कहां पर हमने ये सब छोड़कर, यू नो, वीव टेकन द न्यू नॉर्म्स, जो कि कोई पॉइंट ही नहीं है। साइंस, यूनिवर्स, हर कोई बोलता है वही तरीका सही था, ठीक है? तो आज व्हाट यू डू इज, जब आप अपना ग्रैटिट्यूड लिखोगे ना, उसके ऊपर ये लिख लेना, आई लव यू जस्ट द वे यू आर। क्यों लिख लेना उसके ऊपर? एनीबडी हु विल टेल मी क्यों लिख लेना उसके ऊपर? इससे कि रिमाइंडर हो सब समय, क्योंकि सबसे पहले आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना है, आप जैसे हो, है ना? जब तक आप अपने आप को नहीं एक्सेप्ट करोगे कि आप जैसे हो वैसे ही बहुत बढ़िया हो, एंड यू नो यू लव योरसेल्फ, तब तक आगे तो गाड़ी जानी नहीं है, बस, राइट? यस यस तन्वी, सॉरी आई टुक सो मच ऑफ योर टाइम। Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice.
And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude, performance, breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. Choose three of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, or your uncle. You can choose any three relationships that are important to you, as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or the both of you together. Once you have selected your three relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for you, or supported you. After you've spent some time thinking about what you're grateful for about the person, put the photograph in front of you. And with a pen or notebook or your computer, choose the five things you're most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of five things. Begin each sentence with the magic words, "Thank you." Address the person by their name and then write down what you're grateful for. Thank you, XYZ, for what? For example, thank you, John, for always making me laugh. Or thank you, Mom, for supporting me through college. Once you finish your list for all three people, continue with this magical practice by taking the photograph with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photograph today, thank the person by saying the magic words, thank you, and the person's name. Thank you, Haley. If you're moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs three times during the day, following the same procedure. Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. Perfect. So I think we are clear about what we have to do. Right? So magic practice three. Yeah. Magic practice three. Number one, repeat steps 1, 2, 3 of the magic practice. Number one, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Choose three of your closest relationships and collect a photograph of each person. Put the photo in front of you. Write five things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Begin each sentence with the magic words, thank you. Include the name and what you're specifically grateful for. Carry the three photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least three occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic words, thank you, and their name. Thank you, Haley. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Perfect. Thank you, Tanvi. Despite the fact ki riyaz se pehle I can understand you can't strain your voice, you read this chapter for us. Thank you, thank you, thank you. Right? And I wanted you to read it. Mujhe pura time lag raha tha, I shouldn't, but I wanted you to get into the practice more. Yeah. Okay? So we won't make this a practice, but I really wanted you to read it once. Usse na ek alag si another level ki depth aati hai. Hum padhte hain rather than sunte. Right? Thank you. So are you guys excited about today? Yeah. Yes, ma'am. So, you can choose anybody in your relationship. Tanvi, you can choose your teacher, your guru. Yeah. Yeah. Right?
You can also choose anybody with which you have had broken relationship, and that will not be to make the relationship back again. बट अगर आप उस रिलेशनशिप को ग्रैटिट्यूड दोगे ना, तो आपकी जो अंदर कड़वाहट है या कुछ भी नेगेटिविटी है, दैट विल सेटल डाउन, है ना? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई डोंट नो हाउ इज चित्रास रिलेशनशिप विद हर एक्स हस्बैंड, बट इट कुड बी अ गुड आइडिया टू हैव हिम एज वन इन द लिस्ट, राइट? क्योंकि लाइफ में दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल. जब हम उदास होकर, नाराज होकर किसी भी रिश्ते को छोड़ते हैं ना, तो कहीं पर वो हमें नीचे ही लेके जा रहा होता है. उसके जो टेंस प्लस कर करके हमें ऊपर आना होता है ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. बट अगर आप उस इंसान को ग्रैटिट्यूड देने लग जाओ, इट मेक्स अ ह्यूज ह्यूज डिफरेंस. सर निशांत, हु इज गोइंग टू बी इन योर लिस्ट ऑफ थ्री? Certainly my parents. I'm thinking about the third one. Nishant, we were interested in only knowing about the third one. Nishant bhi has raha, I am sure about it. And Nishant, who is the third one? I was one thinking like, who should I put on the third place? Perfect. So, ऑल द बेस्ट, एंजॉइंग डूइंग इट. निशांत, आपने कल की भी करनी एक्सरसाइज, राइट? एंड प्लीज निशांत, डोंट मिस ऑन द एक्सरसाइजेस. श्योर मैम. ठीक है, जब इतना टाइम लगा रहे हो, 15 मिनट साथ में ही कर लो. सो लेट्स एंड विद आवर यूजुअल पोएम. सो हु इज गोइंग टू सिंग इट टुडे नाउ? दिस लिटिल लाइट ऑफ माइन, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, let it shine, let it shine, let it shine. Thank you, everybody, and have a very, very, very nice day. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. God bless you. Tanvi, you really read very beautifully for all of us. Yes. Thank you, Nishant. Thank you, Namrita. Thank you. Thank you. Bye-bye.